अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज 2D एरेज। ठीक है, पहले हमने सिंगल डायमेंशन एरेज को डिस्कस कर लिया था, तो आज जो ना हम 2D एरेज को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली 2D एरे कैसे सिस्टम में डेवलप होती हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे समझाने का यही पर्पज था कि हम उधर इम्प्लीमेंट तो कर लेंगे कंपाइलर पे, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसके कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ ले तो उसके लिए बेहतर होगा। तो उसी लिए मैं यहाँ पे जना आपको समझा रहा हूँ। तो इससे पहले हमने सिंगल डायमेंशन एरेज पढ़ी थी, जो कि थी, जिसको हम 1D एरेज भी कहते हैं, यहाँ पे सिंगल डायमेंशन एरेज भी से कहा जाता है। ठीक है, अब ये एरेज कुछ इस टाइप की थी कि अगर हम एक एरे बनाते हैं 5 साइज की, तो उसमें कुछ ऐसा था कि 5 जो है वो इंडेक्सेस थे और जो स्टार्ट हो रहे थे 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये एरे थी। लेट्स सपोज इसका नाम मैं डिक्लेयर करवा देता हूँ A of 5। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एरे है जो कि 5 साइज की एरे थी और इसमें इसको मैंने एज अ सिंगल डायमेंशन एरेज मैंने डिक्लेयर किया और मैंने इसमें कोई भी अपनी जन मर्जी का मैंने डेटा रखवा दिया। ठीक है, तो अब हमें मल्टी डायमेंशन एरे की एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ी? फॉर एग्जांपल आपके जो स्टूडेंट्स आपके क्लास के अंदर स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स थे, तो अब 5 स्टूडेंट्स के यहाँ पे रोल नंबर जो है वो पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एरेज बना लेते हैं 2, 3 एंड 4। तो ये हमारे पास 101 है, 102, 103, 104 एंड 105। ठीक है, तो ये 5 रोल नंबर हमारे पास जना वो उस क्लास के 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर थे। ठीक है, तो मैं अब मुझे ये जरूरत महसूस हुई कि मैं इस 5 रोल नंबर्स के जो क्विजेज के मार्क्स हैं वो भी स्टोर करूँ कि अब अगर क्लास में 5 क्विजेज हुए हैं, ठीक है, तो अब इन 5 जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो भी मैं इनके सामने जो ना वो या इसी रोज के अंदर जो है इनको मैंडेट करूं। ठीक है, तो अब मैं कैसा जो ना वो डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करूंगा या कैसे इनको जो ना वो एरेज को यूज करूंगा कि मैं इन 5 जो ना स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को उनके ही रोल नंबर के सामने स्टोर करवा सकूं। एक तो तरीका यह है कि मैं अगर 101 के लिए एक एरे बना दूं, ठीक है, जना 101 के रिकॉर्ड 5 क्विजेज के स्टोर कर ले, फिर इस तरह दूसरे स्टूडेंट के लिए, ठीक है, एंड सो ऑन सो फार में 5 एरेज बना लूं। ठीक है, तो अगर हमें कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर मिल जाए कि जो इन 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स को भी स्टोर कर ले और साथ ही साथ इन 5 क्विजेज को भी जना वो 5 क्विजेज को भी मेंटेन कर ले, तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर क्या हमें अवेलेबल है? जी हाँ, तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है जो कि जिसे हम कहते हैं 2D एरेज। ठीक है, जिसे हम 2D एरेज की कहते हैं। अब ये 2D एरेज एक्चुअली बनती कैसे हैं? 2D एरेज में दो चीजें जो ना वो होती हैं, एक वो है रोस और दूसरी जो है वो कॉलम्स। ठीक है, अब रोज और कॉलम्स जो ना वो अगर इनको हम जेनेरिक देखें तो कुछ ऐसा जो ना वो बनेगा। अगर मेरे पास ये रोज है, ठीक है, ये 4 रोज है और 4 रोज के अगर मैं अगेंस्ट जो ना वो कॉलम बनाऊं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब मेरे पास ये मैंने 4 रोज जना 3 रोज क्रिएट किए हैं 1, 2 और 3 और मैंने जो कॉलम क्रिएट किए हैं 1, 2, 3, 4 और 5 मैंने कॉलम क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअली जो ये आपके सामने शो हो रही है ना, ये ही है एक्चुअली 2D एरेज। ठीक है, अब ये मल्टी डायमेंशन एरेज है। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो जो हम यहाँ पे एक सिंगल एरेज जो जनरेट कर रहे थे, अब वही एरेज यहाँ पे भी जो ना वो बनी हुई है, लेकिन क्या है कि हर एक जो ना वो एरेज एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट जो ना वो मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, वहां पे जस्ट रोज थी, ठीक है,
और यहाँ पे क्या है कि अब हर रो के अगेंस्ट भी कुछ कॉलम जो है ना वो हमें मिल गए हैं। अब अगर इसको हम जेनेरिकली देखें तो जो हमने एग्जांपल ली थी 5 पीसेस और 5 स्टूडेंट्स, तो उनको हम यहाँ पे 2D एरेज के अंदर हम कैसे जो ना वो सेव करवाएंगे, कैसे स्टोर करवाएंगे। अब जो रोज हैं वो एक्चुअली जो ना वो टॉप टू बॉटम में शो हो रही है कि ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। अब जिस तरह हमने सिंगल डिमेंशन एरेज में इंडेक्सिंग की थी 0 से, सिमिलरली यहाँ पे रोज में भी यही काम होगा कि रोज में भी 0 पहले इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स रो है और ये 2 इंडेक्स रो है, ठीक है। कि रो की इंडेक्सिंग जो है रोज स्टार्ट होगी हमेशा टॉप टू बॉटम, ये ना इनको काउंट किया जाएगा, और जो कॉलम्स होंगे उनको हम लेफ्ट टू राइट जो ना वो काउंट करेंगे, और उनकी इंडेक्सिंग भी सिमिलर होगी कि 0 से स्टार्ट होंगे एंड सो ऑन सो फार आगे चलते जाएंगे, ठीक है। अब ये एक्चुअली हमें 2D एरेज जो ना वो हमारे सामने बनकर आ गया, लेकिन ये सिस्टम में कैसे बनती है ये तो हमारे सामने जो ना नजर आ रहा है कि ऐसे 2D एरेज बनी हुई है, लेकिन सिस्टम में ये कैसे बनती है। जब आप 2D एरेज जनरेट करते हैं तो वो एरेज, एक एरेज बनती है, एक 1D एरे बनती है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने 5 साइज की एरे बनाई, अब उस 5 साइज की एरे की आगे एक और एरे बनती है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और जितनी आपने 2D एरेज में जो ना वो रोज और कॉलम के साथ एरे डिक्लेयर करवाई होती है वो 5 5 साइज की, वो उतने साइज जितने साइज की आपने डिक्लेयर करवाई होती है वो उतने साइज की एरेज आगे जो ना वो साथ मिलकर बनती जाती है, ठीक है। ये सिस्टम में ऐसे बनती है, लेकिन जो हमें जो ना वो व्यू इसका मिलता है जिस तरह हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं वो ये वाला व्यू है, ठीक है। हम इस व्यू के मुताबिक जो ना वो 2D एरेज को अंडरस्टैंड करते हैं, ये जिस तरह हम प्रोग्रामिंग में डील करते हैं, लेकिन सिस्टम में कैसे बनती है वो ऐसे बनती है। अब इसका जो स्टार्टिंग जो ना वो होगा, इंडेक्स होगा, या जहां से स्टार्ट होगी, जिस तरह 1D एरेज में स्टार्टिंग जो इंडेक्स होता है उसको बेस एड्रेस कहते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी ये बेस एड्रेस होगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग जो होगा एरेज का वो उसका बेस एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसी तरह सो ऑन सो फॉर जो इसकी सिस्टम इंडेक्सिंग होगी वो कैसे होगी वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो डिक्लेरेशन और जो ना इसको यूज कैसे करते हैं। कि अगर हमने 5 साइज की एरेज, हमने 5 स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड हैं वो हमने किसी एरे में स्टोर करवाने हैं जो कि हर 5 क्विज़ेस में है, ठीक है। तो उनको हम कैसे जो ना वो स्टोर करवाएंगे। अब हमें इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, अब उसको देख लेते हैं। कि अगर हमने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो हमने स्टोर कराने, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना होगा कि जिसमें हर एक स्टूडेंट के आगे 5 जो है ना वो मार्क्स स्टोर हो जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हमें पता है कि कुछ हमारा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनेगा, अगर हम इसको पिक्टोरियली ड्रा करें तो 5 स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, ये 5 स्टूडेंट्स हो गए। अब इन 5 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स जो है वो स्टोर करवाने हैं, ठीक है। तो अब हमें कितने कॉलम चाहिए कि 5 जो ना कॉलम चाहिए जिनमें हर स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर हो सके। तो ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा 0, फिर 1 2 3, 0 1 2 3 एंड 4, ये कॉलम जो ना आप खत्म कर दें, ठीक है। अब अगर आप इसको आपस में मिलाएं तो ये जो ना वो 5 × 5 = 25 जो ना वो बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 5 यहाँ है, 5 1 2 3 4 5, तो 5 × 5 जो कि 25 बॉक्सेस हमारे पास क्रिएट हो गए। अब इसके अंदर हमारे पास एक 0 1 2 3 4, ये 5 रोज हैं, ठीक है, 5 रोज हमारे पास हैं, और हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये 5 हमारे पास कॉलम्स हैं।
ठीक है। अब हमने हमें 5 रोज चाहिए और 5 कॉलम चाहिए, तो अब हम इसको कैसे डिक्लेयर कराएंगे, अब उसको देख लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमने यही रह रहे डिक्लेयर करानी थी कि जो के स्टूडेंट के क्विज़ जो उनके मार्क्स को स्टोर का है, तो हम करेंगे एक एरे बना लेंगे, किसी भी नाम से बना ले, मैं मार्क्स के नाम से बना लेता हूँ। अब मुझे 5 रोज चाहिए थी और 5 कॉलम चाहिए थे। हमने 1D एरेज में जब बनाते थे तो हम कैसे करते थे कि इंटीजर हम एक एरे बना लेते, तो उसे 5 साइज जो जो भी हमें साइज चाहिए होता था हम पास कर देते थे और वो कुछ इस टाइप की एरे जनरेट हो जाती थी। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, ये एक्चुअली समझ लें रो ही है। ठीक है, तो हमने उसे पहले रो हम सिंगल डायमेंशन एरे में हम जस्ट रो पास करते थे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे भी रोज अवेलेबल हैं जो कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 रोज हैं, तो हमें रोज तो चाहिए, तो हम पहले सबसे पहले हम उसे क्या पास करेंगे, रो पास करेंगे। ठीक है, हमें 5 रोज चाहिए। ठीक है, ये हमारी 5 रोज क्रिएट हो जाएंगी। अब हमें 5 रोज के आगे हमें कॉलम चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब 5 कॉलम चाहिए, तो हम उसे 5 कॉलम को भी आगे उसके साथ पास कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रोज पास करेंगे और उसके बाद हम पास करेंगे कॉलम। ठीक है, अब रोज और कॉलम हमने पास कर दिए, तो रोज और कॉलम को पास करने के बाद हमने हमारे पास ये 5 रोज क्रिएट हो जाएंगी और 5 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे हमने हम हमारे पास बात ये आती है कि हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, हर रोज और हर कॉलम्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे। 1D एरेज में हमें पता था कि 1D एरेज में हमारे पास एरेज होती थी, तो हम उनके अगर हमारे पास इंटीजर A5 हमारे पास एरे थी, तो हमें पता था कि हम उसके इंडेक्स पे अगर हम A2 करते थे तो हमें 0, 1, 2 इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होती थी हमें वो वैल्यू हमें मिल जाती थी। ठीक है, अगर हम A4 करते थे तो हमें ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू इंडेक्स पे पड़ी हुई वो मिल जाती। अब हमें इसमें 1, 2D एरेज में हमें किस तरह एक्सेस करेंगे वैल्यूज को। ठीक है, तो अब उसको देख लेते हैं कि जो आपका ये रोज है, ठीक है, आपका जो रो का इंडेक्स है वो सबसे पहले आएगा 0। ठीक है, रो का इंडेक्स सबसे पहले आएगा और उसके बाद आपके पास होगा कॉलम का इंडेक्स। ठीक है, कॉलम का इंडेक्स। ठीक है, अब अगर 0 रोज और 0 कॉलम का मतलब ये है कि जो इस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, सिमिलरली आप इसी रो पे हैं तो 0 रो है और ऊपर कॉलम कौन सा है आपका, 1 है। ठीक है, इसी रो पे हैं, 0 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, 0 रो एंड कॉलम नंबर 3 और 0 रो है और कॉलम नंबर आपका 4 है, तो इसी रो में आप रहकर इन कॉलम को एक्सेस कर सकेंगे यूजिंग दिस इंडेक्सिंग स्कीम। ठीक है, अगर आप 0 पास करें और साथ 0 रो पास करें 0 कॉलम, तो आप इस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू एक्सेस कर लेंगे और सिमिलरली सो एंड सो फॉर आप इस रो में पड़ी वैल्यूज को एक्सेस कर सकेंगे। अब अगर हमने पहली रो में हम चले गए, अब दूसरी रो में हमने जाना है, तो हमें पता है कि पहली रो है 1 नंबर इंडेक्स है और ऊपर कॉलम कौन सा है, 0। ठीक है, 1 रो है और कॉलम कौन सा है, 1 रो है, कॉलम कौन सा, 2। तो इसी तरह हम सो एंड सो फॉर हम जो ना वो 4 रो और 4th कॉलम पे जाकर हम अपने उस रो को आखिरी हमारा जो इंडेक्स होगा हमारे 4x4 पे होगा। ठीक है, तो ये था कि हमने इसको किस तरह इसमें इंडेक्सिंग करते हैं, किस तरह हम इसको एक्सेस कर सकते हैं 2D एरेज में। तो अब ये तो था कि हमने यहाँ पे पिक्टोरियल दे लिया, अब इसको प्रोग्रामिंग में हम कैसे जो ना वो एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल यही एरेज हम यूज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एरे है जो कि 5x5 साइज की है, तो उसके हमें लेट सपोज यहाँ पे एक वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ पे एक वैल्यू पड़ी हुई है डेट इज 100। ठीक है, 101 और 102 पड़ी हुई है। अब इन वैल्यू को हमने एक्सेस करना है, तो हम कैसे इसको एक्सेस करेंगे कि हम उस जो ना वो रो और रो उस कॉलम को हम एक्चुअली इस इंडेक्सिंग दोनों में पास कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले हम रो पास करते हैं और उसके बाद हम पास करते हैं कॉलम। ठीक है,
तो हमें यहाँ 101 पे 100 वाला रिकॉर्ड चाहिए, तो हमारी रो कौन सी है, एक्चुअली टू इंडेक्स रो है, ठीक है। तो हम इसी तरह यहाँ पे टू पास कर देंगे, और हमारा कॉलम कौन सा बन रहा है, टू, ठीक है, कॉलम भी हमारा टू बन रहा है, तो हम इस कॉलम को भी यहाँ पे पास कर देंगे। तो ए इंटू टू इंटू टू का मतलब होगा कि जो इस इंडेक्स पे टू कॉल रो पे जाए और टू कॉलम पे जाए, तो आपकी ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। सिमिलरली आप अगर टू इंटू थ्री करें तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, टू इंटू फोर करें तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब लास्ट जो इसमें बात आती है वो ये है कि इसमें हम इंसर्शन कैसे करेंगे, मतलब डाटा हमने इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यही एरे जो ना डिक्लेयर करवाई है इंटीजर ए इंटू फाइव इंटू फाइव, ठीक है। तो आपको पता है कि आप जब सिंगल डायमेंशन एरेज बनाते थे तो उसके अंदर आप क्या करते थे कि आप जस्ट जितने जो ना साइज की एरेज होती थी उतना आप लूप लगाते थे, ठीक है। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन फाइव और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो आप क्या करते थे कि आप जो ना वो सीन करवा लेते थे ए ओ फाइव, ठीक है। तो ये क्या होता था कि पहला जो ना आई पहली बार लूप चला तो जीरो इंडेक्स पे जो ना वैल्यू आपने इनपुट कर दी, फिर आगे इंक्रीमेंट हुआ तो आपने वन इंडेक्स पे पुट कर दी, फिर टू पे, थ्री पे एंड फोर, ठीक। तो इस तरह आपने वन डी अरेंजमेंट आपने डेटा इंसर्ट करवा लिया। अब अगर हमें, लेकिन यहाँ पे हमें एक इंडेक्स के अगेंस्ट यहाँ पे जो हर ये आई इंडेक्स थे ना, तो ये आई जीरो था, ये आई वन था, ये आई टू था, तो अब हमें यहाँ हर आई इंडेक्स के अगेंस्ट, हर आई इंडेक्स के अगेंस्ट हमें उतने कॉलम्स डाटा को हमने इंसर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आई किसको शो कर रहा है, रो को, ठीक है। हर आई एक रो के एक इंडेक्स को शो कर रहा है, तो अब हमें यहाँ पे आई इंडेक्स के अगेंस्ट हमें ये फाइव कॉलम्स के डाटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये हमें अब हम कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि हम जिस तरह रो सिंगल डायमेंशन एरे में डाटा इंसर्ट करते थे, तो वैसे ही करेंगे। जो फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन फाइव, फाइव रोज थी हमारे पास, तो आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं ये आई जो यूज कर रहा हूँ, ये आई मैं एक्चुअली यूज करूंगा रोज के लिए, ठीक है। जो सबसे पहले हम लूप लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं एक्चुअली रोज के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम जो ना वो हर आई की वैल्यू के अगेंस्ट, जो कह लें कि हर ये वैल्यू है आई की वैल्यू के अगेंस्ट, हमने ये फाइव रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है। तो हमें पता है कि हर दफा पांच रिकॉर्ड जो है ना वो इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये पांच रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं, तो हमें लूप भी पांच क्या चाहिए, ठीक है। फॉर इंटीजर जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन फाइव और जे प्लस प्लस, ठीक है। तो अब हमने ये एक्चुअली लूप के अंदर लूप को यूज कर लिया। तो ये हमारे हमने लूप बनाए थे कि जो कि हमने फाइव जना फाइव इंटू फाइव एरेज जो हमने जनरेट की थी उसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट करना था, समथिंग लाइक इंटीजर ए इंटू फाइव इंटू फाइव, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की एरेज जनरेट हुई थी कि जिसमें फाइव जना वो ये कह लेंगे टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास 0 1 2 3 और ये एक और हमारे पास। अब मैं जो इसमें पहली रो जो चलेगी वो हमने हमारे पास थे, हमने रोज के लिए यूज किया आई, और जो कॉलम के लिए यूज किया वो एक्चुअली यूज किया जे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लूप चला तो आई जीरो थे तो इस रो पे था आई इक्वल टू जीरो। अब उसने जीरो रो पे आया तो उसने उसने पहले जो जे की वैल्यू थी वो जीरो, तो जीरो ये कॉलम हो गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सीन हम इनपुट करवा लेते हैं एरे ऑफ आई ऑफ जे, ठीक है। अब क्या होगा कि पहले आई आई की वैल्यू जीरो थी,
आई की वैल्यू जीरो और जे की वैल्यू जीरो, तो वो इस इंडेक्स पे वैल्यू इनपुट करेगा, ठीक है। इसके बाद जे फिर लूप चली, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो जे की वैल्यू होगी वन, ठीक है। तो आई की वैल्यू जीरो थी, आई की वैल्यू जीरो थी तो जीरो इंटू वन ये वाला कॉलम बन रहा है, तो वो इस कॉलम पे आके जना वो डाटा इंसर्ट कर देगा। इसके बाद फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू टू हो जाएगी तो जीरो रो थी और टू कॉलम पे जाके वो डाटा इंसर्ट कर देगा। सिमिलरली वो आई की जीरो वैल्यू के अगेंस्ट पांच बार चलेगा और पांच जो ना ये वैल्यूज को इनपुट कर देगा। इसके बाद आई की वैल्यू फिर वन होगी, ठीक है, वो वन रो पे आ जाएगा, ठीक है, और वन रो के अगेंस्ट फिर वो पांच वैल्यूज को इंसर्ट करेगा, एंड सो ऑन सो फॉर, वो पूरी जो ना वो एरेज के अंदर आई इक्वल टू फोर जब होगा तो फोर आई की वैल्यू पे वो फाइव वैल्यूज इनपुट करेगा और ये हमारा लूप जो ना वो टर्मिनेट हो जाएगा। और इसी तरह हमारे जो ना इस पूरे एरेज के अंदर डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या इसमें जस्ट जो ना हम सेम साइज की जो ना वो एरेज बना सकते हैं? नहीं, आप इसके अंदर जितने मर्जी साइज की चाहे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए कि दो एरेज चाहिए और फाइव कॉलम, तो आप क्या करेंगे, टू एरेज बना देंगे और फाइव कॉलम्स, ठीक है। इसी तरह आप इंटीजर अगर फाइव कॉलम चाहते हैं, फाइव रोज चाहते हैं और टेन कॉलम चाहते हैं, तो आप जिस तरह मर्जी बना सकते हैं। आप इसमें फ्लोट के एरेज भी बना सकते हैं, ठीक है, डबल की भी बना सकते हैं, ठीक है, और जिस टाइम चार की भी चाहे बना सकते हैं, तो जिसकी चाहे आप इसके एरेज बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम कंपाइलर पे जाके, हम कंपाइलर पे जाके इसको जो ना वो एग्जाम्पल के साथ करते हैं कि जो ना वो हम कंपाइलर पे इसको कैसे हम डील करेंगे, ठीक है।